हेलो। हाँ, क्या शाहरुख खान के घर के बाहर 3 मोबाइल चोरी करने वाले पकड़ा है? जल्दी से उनका फोटो भेज। हाँ, जल्दी भेज, जल्दी भेज। ये मोबाइल चोर हैं, इनको देशद्रोही नहीं कहते? नमस्कार। दुनिया में टोटल 2 प्रकार के पटाखे होते हैं। नहीं, मैं ग्रीन पटाखे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। जिन पटाखों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन पटाखों को एक्चुअली में उनके यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अगर आप किसी पटाखे को दिवाली पे फोड़ते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ढेर सारे जहरीले गैस निकलते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन फैलता है। हमारा जो नेचर है वो बहुत गंदा होता है, जहरीला हवा मिलता है। लेकिन अगर आप वही पटाखे किसी पोटासियम ऑक्साइड के बेटे के घर आने की खुशी में फोड़ते हो तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, उसमें से अमृत भी निकलता है और यहाँ तक कि उसमें से वाइग्रा भी निकलता है। अरे माफ कीजिएगा, क्या है ना कि वो जब पोटासियम ऑक्साइड की बात आती है तो जवान फिसलने लगती है। खैर, तो ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं ना, उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग जवान हो जाते हैं। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा फ्लो अच्छे से होने लगता है। उनको अगर डायबिटीज होता है तो वो ठीक हो जाता है। कोई भी बीमारी होती है उनको ठीक हो जाती है। लेकिन वही पटाखों को अगर आप दिवाली में फोड़ते हो तो आपको सांस की तकलीफ हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा, पूरे नेचर के अंदर पॉल्यूशन फैल जाता है, फॉग हो जाती है, फॉग नहीं स्मॉग कह लीजिए, पूरे स्ट्रीट के ऊपर स्मॉग बढ़ जाती है और उससे एक्सीडेंट होता है, यहाँ तक कि ट्रेन भी लेट हो जाती है। तो ये 2 प्रकार के पटाखे होते हैं। अरे बनवारी, जरा उधर से 2 सिगरेट देना यार। एक तो ऐसे ही इतना पोल्यूशन है, टीबी हो रहा है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन पटाखा फोड़ता है? क्या बच्चे, क्या देख रहे हो? सही बात बोल रहा हूँ ना? अरे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब मालूम है। अरे अरे भैया, एकदम सही बात बोल रहे हो, एकदम सही बात, इतना अच्छा बात आप बोल रहे हो। चलो ना, गुमटी के पीछे आपको एक मूवी का सीन दिखाना है। अरे बच्चा लोग, जब ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं ना तो लड़के लोग फैन हो ही जाते हैं। चलो आओ पीछे। साले दिवाली पे ज्ञान दे रहे थे, दिवाली पे ज्ञान दे रहे। एक बार मैं अपने एडिटर अब्दुल से बात कर रहा था और उससे मैंने कहा कि यार दिवाली का टाइम आने वाला है तो पटाखे खरीद लेते हैं, फोड़ने के काम आएंगे। तो वो बड़ा शौक हो गया और कहता है कि दिवाली में ऐसा क्या है यार, बम फोड़ने के लिए दिवाली का इंतजार थोड़ी करते हैं, देखो हम ऐसे ही फट जाते हैं। मैंने बहुत दिनों के बाद आज पीसी ऑन किया, ट्विटर पे गया, ट्विटर को मैं स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे मैं देखता हूँ कि ट्रेंडिंग में मन्नत ट्रेंड हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि जितने भी लेफ्टिस्ट थे वो बड़े खुश हो रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि लास्ट टाइम ना ये लोग इतना खुश तभी हुए थे जब इनके बाप की बारात आई थी, तो फिर दूसरे टाइम इतना खुश क्या दूसरे बाप की बारात आ रही है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ए, सफेद कपड़ा, ओ ओ ओ, पटाखे का कचरा कौन साफ करेगा? ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा। ओके, आई हेल्प यू। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक सेमलेस इंसान की फोटो दिखाओ तो आप लोग हो सकता है स्वरा भास्कर की फोटो भेज दो, ध्रुव राठी की फोटो भेज दो, लेकिन मेरे पास असली फोटो है। अगर सेमलेस इंसानों की फोटो निकाली जाए तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। आर्यन खान को बेल मिलने के बाद इनकी खुशी दोगुनी हो गई। इनका कहना है कि हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। ये खरा है, खरे है, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है भाई? क्यों किसी का खरा नहीं होता है क्या? समझ रहे हो ना? वैसे खड़ा होने के लिए ना होना भी चाहिए, बचपन में तो ये सब चीजें चलती है। बुआ ऊपर देख, कौआ है कौआ, और नीचे का कौआ खचा। आई एम सॉरी बाबू। खैर, ये लोग आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो आर्यन खान के ना हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हम लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे। किस लिए सपोर्ट कर रहे हो? कौन सी सपोर्ट? मतलब ये कैसा मैसेज दे रहे हैं आप सोसाइटी को? जिस इंसान के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे, जिसको एनसीबी रिमांड में रख रही थी, जिनको बेल पे बाहर मिला है, चरस गांजा के मामले में ये लोग अंदर गए हुए हैं और उनके बेल मिलने के ऊपर आप लोग इतनी खुशी जाहिर कर रहे हो, इतना अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हो। अगर इतना सपोर्ट हमारे इंडिया के बाकी के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को मिला होता तो अभी वो लोग कहां से कहां पहुंचते। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आर्यन खान इतने सारे मेडल जीत के ला रहा है। लेकिन बात सही है, हमारे नजर में भले वो मेडल नहीं ला रहा हो लेकिन उनके नजर में तो वो मेडल ला ही रहा है, चरस में, गांजा में,
अब जिसके पिताजी जुबां केसरी का ऐड करेंगे तो बेटा दो कदम आगे तो निकलेगा ही ना। मुझे इनके पेरेंट्स के ऊपर तरस आ रहा है कि अगर इनके पेरेंट्स ये सब फोटोज देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरा बेटी किसको सपोर्ट करने गया है जो चरस गाजा के केस में अंदर गया था बेल पे बाहर आया। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में सोसाइटी को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीजें करो, चरस गांजा ये सब तो नॉर्मल है, हर बच्चे को करना चाहिए। अगर आप लोग भी चरस गांजा करोगे तो आप लोग भी बॉलीवुड के एक्टर्स जैसे सक्सेसफुल होगे, लोग भी आपके पीछे भागेंगे। क्योंकि अभी तक 1.5-2 साल के अंदर हमने जितने भी केसेस देखे हैं ना, बॉलीवुड के सारे राज खुलते जा रहे हैं। कभी कोई चरस में सामने आता है, कभी कोई गांजा में आता है, कभी कोई ड्रग्स में आता है, तो इस तरीके से कोई ना कोई सामने आता ही रहता है। तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि भाई अगर तुम्हें भी उतना सक्सेसफुल होना है तो तुम भी ये सब चीज़ें करो, तब तुम आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट वे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, सही डायरेक्शन में उनको अपने कल्चर के बारे में बताओ, उनको बताओ कि उनको आइडल किनको बनाना है। ऐसे लोगों को आइडल मत बनाओ जो कि चरस गांजे के मामले में अंदर जाते हैं। ऐसे लोगों को आइडल मत बनाओ जो कि कुछ पैसों के लिए हमारे कल्चर को गालियां देते हैं, हमारे धर्म को गालियां देते हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको चकाचौंध बहुत पसंद है। जहां उनको चकाचौंध दिखता है ना, वो वहीं पीछे पीछे जाते हैं। तो ये जो चर्सी बुड वाले हैं ना, ये यही चकाचौंध दिखा दिखा के लोगों को अपने पीछे पागल करते हैं, अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। फिर वही चीज़ें सोसाइटी में होती हैं और फिर बाद में लोग रोते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर ना ये जो चरस है, गांजा है, ड्रग्स है, इसकी सप्लाई क्यों नहीं बंद हो रही है, क्योंकि उनको कंज्यूम करने वाले बंद नहीं हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमारे देश के अंदर से ड्रग्स, गांजा, चरस इन सबको अगर बंद करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको पकड़ो। अगर कंज्यूम करने वाले रुक जाएंगे, कंज्यूम करने वाले नहीं होंगे तो बेचने वाले भी नहीं रहेंगे। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो बेचेंगे किसे? और आगे आने वाली जो जनरेशन है उन सब का फ्यूचर आप सबके हाथ में है, हमारे हाथ में है। कैसे हम लोग उनके फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने अभी स्टेप उठाया ये चीज़ें बाद में जाके बंद होंगी, धीरे धीरे बंद होंगी, तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। आगे आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों का कैसा होगा, सब कुछ आपके हाथ में है।